तहस नहस हो गया है ये घर ना, अंदर से डूबी हुई है। इतनी भयंकर वाला बाढ़ है, आप खुद ही देखेगा इस ग्लास का रेत है वो भी रेत के अंदर फंसी हुई है। कहीं और से आके यहाँ पे हैंग आउट, ये भी बच गया। हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी फिलहाल मैं आया हूँ टिस्टा ब्रिज के यहाँ, और ये है टिस्टा ब्रिज के नज़ारे गाइज। और टिस्टा नदी देखे गाइज, बहुत ही भयंकर, अभी भी पानी कम नहीं हुआ है। अब जहाँ पे वहाँ पे रोड थे गाइज, वो पूरा का पूरा जो है पानी से भर चुका है। तो वहाँ जाके भी मैं दिखाऊँगा। यहाँ से कई सारे ब्लॉग यहाँ का बनाया हूँ, पहले जब बाढ़ नहीं आई थी तब कितना खूबसूरत लगता था ये। लेकिन अभी चेक करेगा इस, ये आगे ये जो घर है ना, पूरा का पूरा जो घर है डूबी हुई है अंदर, और पानी जो नदी का भाव है वो भी बहुत ही आगे चले गए हैं। और गाइज ये तो अभी कम हुआ है, पहले इससे भी बढ़ के ना वो घर तक गया था मेरे ख्याल से। आप देख सकते हो पूरा जो घर है, दुकानें हैं, सारे के सारे जो डूबी हुई है। और ये ब्रिज के नीचे से जो दार्जिलिंग कोरसेंग जाने वाला रास्ता है, जो रोड है, वो भी पूरी तरीके से मतलब पानी से भरी हुई है। तो अभी तक अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये रोड अच्छा भी है या नहीं। तो फिलहाल तो गाइज आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये पिलर के नीचे साइड एक्चुअली रोड है ये, तो रोड तो अभी बिल्कुल भी नहीं है। जब कोरसेंग और दार्जिलिंग जाते थे तो यहाँ से होके यू टर्न मार के आपको ये नीचे वाले रास्ते पकड़ने थे, लेकिन जो रोड में है पानी है, तो अभी फ़िलहाल कह नहीं सकते हैं ये रोड अच्छा भी है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है अगर बनना शुरू भी किया तो। फिलहाल दार्जिलिंग कोरसेंग जाने का रास्ता यहाँ पर नहीं है। जो पहले का टिस्टा है, जो अभी का टिस्टा है, ज़मीन और आसमां का फ़र्क है। क्योंकि यहाँ से ना मैंने काफ़ी सारे वीडियो शुरू भी करी है, काफ़ी सारे वीडियो बना रखी है। आप वो भी चेक करें और ये चेक करें गाइस, रोड के ऊपर से पानी बह रहा है, बहुत ही बड़ी नुकसान हो गई। यहाँ देखे गाइस नीचे पूरी की पूरी घर जो है डूबी हुई है पानी में, और ये पानी ना अभी कम हुआ है। एक्चुअली पानी था वो घर तक, जो वहाँ पे भी पूरा जो रेत है पूरा का पूरा घर के छत के ऊपर जमी हुई है। अभी साफ सफाई का काम भी चल रहा है वहाँ पे। अभी भी जो मौसम में है उतना सुधार तो खास हुआ नहीं है, क्योंकि रात को ना बारिश होती है, कभी दिन में बारिश होती है। तो अभी भी यहाँ पे हाई अलर्ट है। एक्चुअली जो भी यहाँ का जो पीड़ित है, जो भी जिनका भी घर वर पूरा सब कुछ डैमेज हुआ है, उन सब के लिए ना एक रिलीफ कैंप बना के रखा हुआ है ऊपर स्कूल में, और एक दो तीन जगह पर यहाँ पर रखा है। और यहाँ गाड़ी रख के आपको चल कर जाना होगा वहाँ पर। और भाई काफ़ी सारा सामान, काफ़ी सारे खाने पीने का सामान लेके कई सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और कई संस्थाएं आ रहे हैं आसपास के गांव से। तो बहुत ही बड़ा सपोर्ट अभी यहाँ पे हो रही है, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। और गाइस आपको ये दिखाता हूँ मैं, ये जो घर है गाइस, सारा का सारा घर पानी के अंदर डूबी हुई है। और ये छत है घर का, और नीचे भी और एक फ्लोर है वो पानी के अंदर दबी हुई है। ये सीन हो रखी है यहाँ पे। क्लीनिंग का काम जो है अभी यहाँ पे चल रहा है, और
देख सकते हैं गाइस, बाढ़ ना यहाँ तक आई थी, यहाँ तक आप देख सकते हो बाढ़ यहाँ तक आई थी। अभी जो नदी है वो वहाँ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ तक आया था। आपको मैं ना टिस्टा रिवर का जो ब्रिज है वो दिखाता हूँ, वो जो पिलर है ना गाइस, जहाँ पे डाक लगी हुई है पानी का, तो ऑलमोस्ट वो ब्रिज की तक टच करने वाला था। बाढ़ इतना भयंकर वाला आया था, और भी ज़्यादा आ जाता शायद टिस्टा ब्रिज भी ना थोड़ी सी मुसीबत में हो जाती। ये चेक करेगा ये देखे, यहाँ पे तो पूरी की पूरी मतलब खत्म हो गया है। ये घर है, ये दोनों के दोनों माले पे ना पूरी की पूरी रेत भर गई है। घर के अंदर से ना पानी बह रहा है, देखिए गाइस वो घर के अंदर से भी पानी निकल रहा है। अभी घर के जो भी ओनर है क्लीनिंग कर रहा है ताकि कुछ सामान है ना यहाँ से निकाल सके, लेकिन इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ भी सामान यहाँ पे सही तरीके से मिलेगी यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे जो क्लीनिंग का काम है वो भी चल रहा है फटाफट। और ये रास्ता ना भाई, यही रास्ता ना खरसांग की वहाँ जाता है दार्जिलिंग। फिलहाल तो यहाँ पे तो मतलब क्लीनिंग का काम चल रहा है, अभी आगे आगे देखते हैं क्या है। फिलहाल ब्लॉक है रोड, जा नहीं सकते हैं। अरे आगे रोड में तो पूरी की पूरी जो है पानी भर गई है। एक बार ना यहाँ जाके दिखते भाई, ये घर चेक करें, घर पूरी की पूरी घर है जो पानी के चपेट में आ गया है अंदर। भाई बहुत ही भारी नुकसान हो गई है यहाँ पे। ये पिलर दिख रहे हैं ना आप, वहाँ पे कलर का डिफरेंट दिख रहा होगा आपको, एक भीगा हुआ एक सूखा सूखा। जो पिलर है ना ऑलमोस्ट ब्रिज के थोड़ा सा नीचे, मतलब बाढ़ आई थी ना तब तो बहुत ही ऊपर तक बाढ़ आया था, और भी थोड़ा सा तेज़ बाढ़ आती तो ना तो ये टिस्टा ब्रिज जो है उसको भी बहुत ही भारी नुकसान हो जाती। लेकिन थैंक गॉड ऐसा हुआ नहीं, ये हो जाता ना तो बहुत ही बड़ा मुश्किल हो जाती, क्योंकि यही एक ब्रिज है जो सारे हाईवे को ना कनेक्ट करता है। यहाँ पे ना एक भैया बता रहा था कि पहले ना ये घर है ना, एक घर के आगे तक भी कुछ भी नहीं था, ये जो नदी है वो वहाँ पे था। तो अभी तो देखो घर को भी पार करके यहाँ तक आया है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कितना बड़ा बाढ़ आया था। ये घर पूरा तहस नहस हो गया है, और काफ़ी सारे यहाँ पे ना जैसे कि सुअर है, बकरियाँ हैं, न जाने कहाँ कहाँ से आके ना यहाँ पे रह रहे हैं, और वो जानवर भी ना पूरा बह के यहाँ पे आया हुआ है, और अभी यहाँ पे दो तीन दिन से यहीं पे है सब बोल रहे थे भैया। और गाइस एक बार ना हम लोग वहाँ जाके चेक करते हैं। शटर देखिए पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया है, पूरा का पूरा जो लोहे का शटर है उसको ना कागज़ की तरह मोड़ दिया है। और गाइस ये मैं ना किसी के घर के छत पे हूँ अभी फिलहाल, ये घर तो डूबी हुई है, लेकिन ज़्यादा वहाँ पे जाना तो रिक्स रहेगा। ये चेक करें गाइस, ये घर ना अंदर से डूबी हुई है, पूरा का पूरा पानी जो है। और ये पेड़ के ना जो रूट है, जो पेड़ के मतलब बड़े बड़े मुड़के हैं यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे ना बाइक रिपेयर का एक शॉप भी था जो पानी में जाके ख़त्म हो गया, ये तो मुझे पता ही, क्योंकि यहाँ से मैं गुजरता रहता हूँ, इसीलिए यहाँ पे ना बाइक का जो एक रिपेयरिंग वो गैरेज था, ये शायद वहीं से निकल रहा है भाई लोग। और यहाँ पे ना एक ग्लास की दुकानें थी, ये चेक करें गाइस, दुकान ना अभी ख़त्म ही हो गया।
ग्लास को भी निकाल नहीं पाए, ऐसे जैसे पड़ा है। ये थे दुकान ग्लास का, कांच की दुकान। खिड़की पे जो लगता है वो ग्लास है, डोर पे लगता है वो ग्लास है। पूरा का पूरा अभी क्लीनिंग कर रहा है यहाँ पे। वैसे निकलने वाला तो कुछ भी है नहीं, फिर भी क्या करें, साफ तो करना पड़ेगा भाई। ये जो ना ग्लास का रैक है वहाँ पे, वो तो बालू के अंदर ना फंस गया है। ग्लास का दुकान है वो पूरा, और जो ग्लास का रैक है वो भी रेत के अंदर फंसी हुई है। पूरा रेत आके ना इसके अंदर ही फंस गया। मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, यहाँ पे था रोड, यहाँ पे दुकानें लगी हुई थी, यहाँ पे था रोड, और ये साइड भी दुकानें थे, घर थे, और उसके बाद में जो था नदी था। लेकिन अभी जो हाल है, मैं भी वहाँ तक आया था गाइस। ये लोहे के जो भी बाउंड्री गेट वगैरह ना, कागज की तरह उड़ाया, सारा का सारा जो है खत्म। अभी यही रोड था जो हमें दार्जिलिंग क्रॉसिंग में कनेक्ट करता था, लेकिन अभी ख़त्म। हालात उतना काबू में नहीं है, क्योंकि ये जो बाढ़ है ना गाइस, इतनी भयंकर वाला बाढ़ है, आप खुद ही देखे गाइस वहाँ पे ना छाले कितने ज़ोर से आ रहे हैं। अभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी भी यहाँ पे उतना रहना ठीक नहीं है गाइस। हाई अलर्ट यहाँ पे है, ये चेक करेगा आगे जो पिलर के नीचे, इतना तेज़ बहाव है। अभी यहाँ पे कभी भी पानी बढ़ सकता है, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर में ना अभी भी मौसम उतना ठीक हुआ नहीं है। ये शॉटर चेक करें गाइस, ऐसा लगता है कोई प्लास्टिक का चीज़ हो ना, ऐसे ही मड़ोड़ दिया है भाई। कितना हैवी होता है शॉटर आप सबको तो पता ही है। बहुत भयानक दृश्य है, और आने वाले दिन में और भी जगह जाके देखते हैं क्या हो रखी है वहाँ पे एग्जैक्टली। और ये नीचे जो है वही है टिस्टा। अब यहाँ तक आया था बाढ़, वरना गाइस कहीं और से आके यहाँ पे, थैंक गॉड ये भी बच गया। अब यहीं पे रह रहा है ये एक हफ्ते से। इतने भी रिलीफ के लिए सामान है, खाने पीने का सामान लेके आ रहे हैं लोग, वो यहाँ पे आपको आके देना होगा। और यहीं पे जो है सामान है वहाँ तक जाएगी कैंप तक, क्योंकि ना यहाँ से जो कैंप है वो थोड़ा सा दूर है, उसको चल के जाना पड़ेगा, और भारी सामान है तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो यहीं पे कमेटी है, और यहाँ से सामान पूरा वहाँ पे पहुँचता है। तो फिलहाल यही है टिस्टा ब्रिज के नज़ारे, होनी को कौन टाल सकता है। बस हमें रहना है अलर्ट, क्योंकि ऐसे अभी नदी के सामने घर वर बनाना ठीक नहीं है, जैसे कि आप सबको मैंने पहले से बता दिया। और अभी जो हो गया सो हो गया, अब होनी को तो कोई नहीं टाल सकता, हो गया। और अभी ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प दूसरे दूसरे गांव से, संस्थाएं से भी आ रही है, ये भी एक तरीके से बहुत ही बड़ा चीज़ है।
और आप सब भी किसी को हेल्प करना है तो खुद जाके यहाँ पे आप हेल्प कर सकते हो। टिस्टा है वहाँ पे, मल्ली है और रंपू है, ये सारे सारे जगह पे जो भी गांव के लोग हैं, जो भी पीड़ित लोग हैं, उस उन सब के लिए एक कैंप बना रखा हुआ है वहाँ पे, स्कूल में, चर्च में या तो कोई भी हॉल में रखा हुआ है। तो वहाँ जाके आप लोग कुछ आपका दिल करे तो हेल्प कर सकते हो, और हेल्प करना भी चाहिए ये टाइम पे। और गवर्नमेंट वैसे भी कर ही रहा है, हमसे ही गवर्नमेंट है तो हम हेल्प करेंगे तो गवर्नमेंट भी हेल्प कर पाएगी। तो ये है तेज बहाव चिश्ता का, सामने जाने का भी डर लग रहा है यार। और जितने भी यहाँ पे अभी भी रेस्क्यू जो टीम है अपने काम कर रहे हैं, और ना बहुत सारे बढ़िया अभी भी ज़मीन के अंदर दबी हुई है। सो यही था तीस्ता का जो भी मैंने दिखाया आपको दृश्य। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कहीं और जाके दिखाऊंगा, और ये तीस्ता के जो उस पार है वहाँ पे भी ना बहुत भयानक रोड वगैरह चली गई है, और वहाँ पे भी जाएंगे। फिलहाल यहाँ से कनेक्शन नहीं है, अभी उसी पार जाने के लिए ना आपको दूसरी ओर से जाना होगा। तो वहाँ पर भी जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यूँ ही वीडियो को देखते रहिए। कोई मैं ब्लॉग नहीं बना रहा, मैं बस आप सबसे यहाँ का सिचुएशन जो है वही शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अभी यहाँ पे जो है कई संस्था के लोग, कई गांव से बहुत ही ज़्यादा हेल्प आ रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन एक ही साथ में इतना सारा सामान फिर वेस्ट भी हो सकता है, और आप ना दो तीन दिन बाद फिर आए, ऐसा करके आप हेल्प करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सामान भी रोटेशन हो जाएगी और सब कुछ आराम से ही करना होगा। तो एक ही साथ में सब गांव से एक ही साथ में इतना ज़्यादा सामान आएगा तो फिर संभाल नहीं सकता है उन सबको भी, तो सब कुछ यहां पे देखना होता है। तो गाइस आप सब भी यही ध्यान में रखें, और थोड़े दिन बाद या तो एक दो दिन बाद आप आए हेल्प करें। इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ।